हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार भारी बहुमत से सभी 10-10 लोकसभाओं से बीजेपी का परचम लहराएगा। ये बात कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ था। उस वक्त कैप्टन ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार समझकर चुनाव लड़ना है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर ही बीजेपी ने पहले चुनाव जीता था और वही जोश अब की बार भी देखने को मिल रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि हर बूथ पर मजबूत कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी मिस्ड कॉल करके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वालों के पास जाए और उन्हें बीजेपी में अहम जिम्मेदारी देकर साथ लाए। वहीं मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए हरियाणा के मौजूदा वित्त मंत्री ने कहा कि लोकसभा टिकट का फैसला हो चुका है और कमल का फूल उनका उम्मीदवार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी अपने जिस भी उम्मीदवार को चुनाव लड़वाएगी वो अकेला नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार समझकर चुनाव लड़ेगा और सभी की सभी सीटों पर हम नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर जीत किसकी होगी। नारनौंद से दीपक गिरधर की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहा है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने में सफल हो। जहां एक ओर हिंदुस्तान के आम आवाम ने यह निर्णय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने आप को भारत माता का सच्चा सिपाही मान करके, सेवक मान करके इस महासमर में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर और तैयार है। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश की हिसार लोकसभा की नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पर एक बैठक, एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता लोकसभा हिसार के प्रभारी श्रीमान वीर कुमार यादव जी, दिनेश गोयल जी, श्रीमान ब्रह्मदेव शाड़वा जी जो जिला परिषद चेयरमैन, और अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर शिरकत की और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता के अंदर एक अलग प्रकार की लहर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, हरियाणा, हिसार और नारनौंद की जनता ने ये मन बना लिया अभी से कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। लोकसभा टिकट का फैसला हो चुका है और कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वही हमारे उम्मीदवार। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे और कार्यकर्ता कमल के फूल के निशान को लेकर के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। यहाँ तो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी मान करके चुनाव लड़ने वाला है। प्रत्याशी कब तक घोषणा होगी? नामांकन से पहले उसकी घोषणा कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर हम पंजाब के अंदर सारी की सारी सीटें जीत करके मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। पोजीशन है बूथ की 221 बूथ, इस 221 बूथों पे हमारे मोर्चे हैं। अपने विधानसभा में इस 221 मोर्चों पे हमारे पास खेलने वाले सबसे बढ़िया खिलाड़ी है कि नहीं, तो ऊपर ये एक ऐसी योजना बनाई, ये हमारा हर बूथ के ऊपर बूथ का अध्यक्ष और बूथ के अध्यक्ष के साथ उसकी बूथ उपाध्यक्ष और उसकी टीम पूरी पड़े। बूथ के ऊपर की रचना तो आदरणीय वीर कुमार जी ने बता दी। बूथ के ऊपर की रचना है कि भाई 4-5 बूथ का एक ग्रुप बना दिया, उसका नाम कर दिया शक्ति केंद्र। ये बीजेपी की पावर सेंटर है। ये शक्ति केंद्र पर 2 आदमी होंगे, एक पालक और एक प्रमुख।
प्रभु भगवान जो काम करेगा पालक होगा जो उसकी संभाल करेगा। यानी कि जो सीट इस तरह से जो उम्र में अनुभवी है, काम करने वाला प्रमुख होगा, उसके ऊपर उसको संभालने वाला पालक होगा। तो शक्ति केंद्र के भी आपने सारे बना लिए, शक्ति केंद्रों के ऊपर मंडल है। ये पार्टी ये किसी एक परिवार की नहीं है, किसी एक जात बिरादरी की नहीं है, किसी एक स्टेट की, किसी एक इलाके की नहीं है। ये पार्टी भारत माता की गोद में पैदा हुए हर हिंदुस्तानी की, किसी भी जात बिरादरी का हो, सबकी पार्टी। ये देश विश्व गुरु था, ये देश सोने की चिड़िया था, ये देश पूरी दुनिया के अंदर महाशक्ति था, सारी दुनिया का व्यापार हिंदुस्तान के साथ होता था, सबसे पुरानी सभ्यता थी। लेकिन हमारी शराफत में दुनिया ने हमारी कमजोरी मान करके आकर के हम पर हमले और आक्रमण करके जो अखंड भारत था उसको आज छोटा करके रखा हुआ है। 10 की 10 सीटें हमने जीतनी है और 10 से भी ज्यादा जीतेंगे। 10 से ज्यादा कैसे जीतेंगे? आपका भाई पंजाब चंडीगढ़ जा रहा है, वो भी अपना खाता में आओ।